चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर, देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के चांदनहेड़ी गांव में, जहां पर प्रधान पद की प्रत्याशी कैलाशो देवी हैं। अब मेरे साथ उनके पति मौजूद हैं, जानेंगे इनसे क्या चुनाव चिन्ह है इनका और चुनाव की क्या तैयारियाँ चल रही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं जी अपने चैनल में। आपको आपका स्वागत है, धन्यवाद जी। क्या चुनाव चिन्ह मिला है और तैयारियां कैसी चल रही है? चुनाव चिन्ह इमली इमली तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारी तो सब गांव का रुझान हमारी तरफ है, ठीक है, गांव का समर्थन मिला, ये तैयारी है बस। अच्छा, जैसे अब आप राजनीति में आए हैं, इससे पहले क्या प्रोफाइल थी सर? आप अब से पहले क्या करते थे? मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस रिटायर हूँ। अच्छा, पुलिस से रिटायर है आप। अच्छा, जैसे आप राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? राजनीति में ये जो अच्छे कार्य हैं वे करेंगे, जो सरकार लाभान्वित करती है सरकारी योजनाएं सब गांव में लगाएंगे। भाई हमारे पूर्वज रहे यहाँ, वो बाबा घासीराम जी, बाबा घासीराम मलिक, उनका द्वार था यहाँ स्वागत द्वार, वो टूट गया। अब अच्छे बढ़िया ढंग से वो पहले वो बनाया जाएगा, पूर्वजों के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, जैसे आप बताएंगे कि गांव में पंचायत चुनाव से पहले कुछ मीटिंग भी हुई होगी, पंचायतें हुई होगी कि किस कैंडिडेट को चुनना है, आप में ऐसी क्या खूबी है कि पूरे गांव ने मिलकर आपको आप कह रहे हैं कि पूरे गांव का समर्थन मिल रहा है तो आपको चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया, ऐसा आपने अब तक क्या योगदान किया है समाज के लिए? बस देखो, हमने पुलिस विभाग की सेवा की बहुत अच्छी तरीके से, कोई वो गलती नहीं की जानबूझ के, लेकिन जो है झुकाव होता है, किसी से प्रेम होता है, गांव का मुझे प्रेम मिला तो इसी वजह गांव का विकास करेंगे अच्छे ढंग से। सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपने पुलिस विभाग में जॉब की है और आप सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हो, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो छोटे पदों से भी रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद शहर को चुनते हैं, आपने गाँव में रहना ही क्यों मंजूर किया, क्यों गाँव ही चुना आपने? बस ये गाँव में हमने यहाँ जन्म लिया, ये हमारी मातृभूमि है और यही अपना हो जाएगा काम जो। तो आप अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं जी। अच्छा, ये बताएं गांव में क्या क्या खामियां आपने देखी जिनको आप चुनाव जीतने के बाद पूरा करने के में विश्वास रखते हैं? खामियां हमारे गांव में कुछ नहीं, बहुत अच्छा गांव है, कोई ऐसी बात नहीं है, और जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। अच्छा, गाँव में अगर हम बात करें शिक्षा स्वास्थ्य क्या स्थिति है, कोई यहाँ पे हॉस्पिटल है या इसमें यहाँ पे बच्चे के खेल के लिए मैदान है, क्या बच्चिया जो लड़कियाँ है वो बाहर पढ़ने के लिए जाती है, गांव में कोई व्यवस्था है? नहीं, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है जी, जूनियर तक स्कूल है जी, बच्चे जाते हैं स्कूल। स्वास्थ्य का भी एक वो छोटा केंद्र है, सुविधा है स्वास्थ्य की भी, और बच्चे पढ़ते हैं खूब अच्छे ढंग से, सरकारी सुविधा अच्छी है। अच्छा, अगर आपको मौका मिला और गांव की जनता ने आप में विश्वास जताया तो क्या आपने अभी बताया कि छोटा स्कूल है और छोटा सरकारी अस्पताल है, क्या उनको बढ़ाने में आपका कोई रोल रहेगा? हाँ, पूरा। अच्छा, आप समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बस कोई वैमनस्य ना हो आपस में, अच्छा हिसाब हो, प्यार पर रह रहे हैं सब, एक दूसरे के सहयोगी बने, ये काफ़ी बात, ये ठीक है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद थे जो गाँव चांदनहेड़ी गांव से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनके पति, इनका मानना है कि अगर गांव ने इनमें विश्वास जताया तो इनकी प्राथमिकता होगी, ये अपने पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाएंगे, गांव में शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाओं में बढ़ोतरी करेंगे और गांव को विकास की तरफ अग्रसर करेंगे। अब देखना यह होगा कि चांदनहेड़ी गाँव की जनता इनमें कितनी उम्मीद रखती है, कितना प्यार इनको देती है, ये तो समय ही बताएगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।